हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। क्लास टेंथ के क्रैश कोर्स की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेसेस ऑफ साइंस। यहाँ पर हम आपको 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। कुछ ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, किस तरह से, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि द बॉडी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं सिर्फ उनका जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सच एनिमल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट्स एंड कैन टॉलरेट द सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसे एनिमल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होता है और साथ ही साथ जो क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें मिक्सअप का थोड़ा बहुत उनमें चांसेस हो सकता है और उसको बर्दाश्त भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपका है एम्फीबियन एंड मेनी रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स आपका इसमें एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ड्यूरिंग वन साइकिल हाउ मेनी टाइम्स डज ब्लड गोज टू हार्ट ऑफ फिश एंड वाई। फिश में आपका एक साइकिल में कितनी बार हार्ट में आपका ब्लड जाता है और क्यों? तो आंसर है आपका, ब्लड गोज टू द हार्ट ऑफ फिश ओनली वन टाइम ड्यूरिंग वन साइकिल। दिस हैपन्स बिकॉज फिश हैज़ अ 2 चैम्बर्ड हार्ट एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स फॉर ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम वेयर इट पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। फिश में जो मेनली क्या प्रॉब्लम है कि वो आपका 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसकी वजह से एक बार में जो ब्लड पम्प्ड होगा गिल्स के थ्रू वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और जो बाहर निकलेगा वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इस कारण से आपका वन साइकिल में एक ही बार ब्लड आपका जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लिस्ट 2 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टोमैक, नेम द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। आपको कोई फंक्शन बताना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हमारे स्टोमैक में क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका आंसर हो गया कि HCl जो होता है वो हम लोग का एसिडिक मीडियम होता है, जो कि आपको एक्टिव करता है एंजाइम्स को, पेप्सिन को। पेप्सिन को जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने में आपका जो मेन परफॉर्म होता है वो आपका HCl करता है। और जो सेकेंड आंसर हो गया आपका, नेम द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, इसका हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लिस्ट द 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड राइट देयर फंक्शंस। 3 तरह के जो ब्लड होते हैं हमारे वेसल्स हमारे बॉडी में, उसके बारे में बताना है और उसके फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आपका आता है आर्टरीज। तो आर्टरीज का काम क्या होता है कि दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेरियस ऑर्गन्स टू द बॉडी। इसका काम है आपका जो ब्लड है आपको हार्ट से लेकर के बाकी पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुँचाने का काम है। सेकेंड है आपका वेंस। वेंस आपका क्या करता है, दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। ये बाकी बॉडी पार्ट से वो क्या करता है, ब्लड को लेकर के आता है और आपको हार्ट तक आपको पहुंचाता है। क्वेश्चन 3 में आपका हो गया कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम क्या है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। यानी कि जो ब्लड आपका वेसल्स के थ्रू जब वहाँ पहुँचा तो उसके बाद आपका क्या होता है कि कैपिलरीज का काम क्या है कि वो ब्लड को आपको जो उसमें जो सेल्स है उस तक पहुँचाने का। तो ये आपका एक बहुत ही थिन वॉल होता है कैपिलरीज का और उसके थ्रू ये एक्सचेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वेयर डज एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर इन अ सेल। एरोबिक रेस्पिरेशन आपका सेल में किस जगह पर होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन आपका कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमने चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको मिलती रहेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।